आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी। मराठाओं को 10% आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग SSBCC को एक नोटिस जारी कर उसे प्रतिवादी बनाया। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय, न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनेवाला की पूर्ण पीठ ने आयोग को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया। इससे पहले पीठ ने मंगलवार को कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में SSBCC एक आवश्यक पक्ष है। पीठ ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया था। कुछ याचिकाओं में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे सेवानिवृत्ति की अध्यक्षता में MSBCC की स्थापना, इसकी कार्यप्रणाली और मराठाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में से एक भाऊ साहिब पवार ने सोमवार को एक अर्जी दाखिल कर आयोग को याचिका में पक्ष बनाने का अनुरोध किया था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जुलाई तय की। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।